एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंस अमंग कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। देखेंगे इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनके मीनिंग को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप कोई घर बाय कर रहे हैं या फिर कोई कार बाय कर रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर क्यों करवाते हैं? सो दैट कोई दूसरा पर्सन उसके ऊपर क्लेम ना कर सके। इसका मतलब हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी और पार्टी से, किसी और पर्सन के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा कर। उसी तरीके से अगर आपको कोई आइडिया आता है, आप कोई इन्वेंशन करते हो, आप कोई बुक लिखते हो, आप कोई मूवी बनाते हो, कोई सॉन्ग नया डायरेक्ट करते हो, कोई नया सॉन्ग कंपोज करते हो, तो उस केस में ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपका सॉन्ग, आपकी पेंटिंग, आपकी मूवी, ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। अब आपको क्या करना है? अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के लिए आप इन चीज़ों को रजिस्टर करवा सकती हैं। हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं। कॉपीराइट का अलग है, पेटेंट का अलग है, ट्रेडमार्क का अलग है, ठीक है। अब ब्रांड नेम जो है उसे आप ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करवाते हो। अगर आपका कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, उसको आप रजिस्टर करवाते हो कॉपीराइट के अंदर। अगर कोई आपने नई मशीनरी इन्वेंट की है, कोई नई इन्वेंशन की है, आविष्कार किया है, उसे आप पेटेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हो। तो अलग अलग चीज़ को अलग अलग एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया जाता है। मेन पर्पस जो है वो है अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आपने इन्वेंशन की है, कोई और पर्सन लॉन्च कर दे, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, आपको क्या होगा? दुख लगेगा, ठीक है, आपका नुकसान होगा। इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये तीनों चीज़ें इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही आती है। इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से कुछ नया इन्वेंट किया है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी बन गई है, उसको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। अब सबसे पहले हम इन तीनों के मीनिंग को समझेंगे, सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊंगी, फिर इनके डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वो किसी आर्ट से रिलेटेड काम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कोई पेंटिंग होगी, बुक, नॉवल, वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई टीवी शो, गेम शो, फिल्म कोई होगी, किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट होगी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? कॉपीराइट। इसे कॉपीराइट एक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये क्रिएटिव वर्क के केस में होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मूवीज़ का रीमेक बनता है, सॉन्ग जो है उसको रीमेक्स किया जाता है। जब किसी मूवी का रीमेक बनता है तो जो उसका ओरिजिनल डायरेक्टर है, ओरिजिनल प्रोड्यूसर है, उससे हम क्या लेते हैं? राइट लेते हैं। इसका मतलब कॉपीराइट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप ओरिजिनल पर्सन की परमिशन लेकर, ओनर की परमिशन लेकर उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉपीराइट किसी क्रिएटिव वर्क के केस में होता है, ऑथरशिप के केस में,
फोटोग्राफी के केस में, साउंड रिकॉर्डिंग के केस में, इन सभी केस में आप अपने अपने प्रोटेक्शन करने के लिए कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। मार्क मतलब निशान, ट्रेडमार्क। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस का कोई यूनिक नाम चाहिए, कोई यूनिक साइन चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, कोई लोगो चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए। क्यों चाहिए? सो दैट आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर से डिस्टिंग्विश हो सके, अलग हो सके। तो आप अपना कोई नाम रख लेते हैं, आपका बिजनेस बहुत चल गया, किसी दूसरे ने भी आपका सेम नाम रख दिया, लोगों को लगा कि सेम बिजनेस ही है पर वो आपका कॉम्पिटिटर है। अब इस केस में ट्रेडमार्क आपको क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आप अपने नाम को, वर्ड को, स्लोगन को, सिंबल, डिज़ाइन, इमेज, इन सब चीज़ों को जो कि आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करेगा, जो कि आपकी बिजनेस की पहचान है, आप उसे रजिस्टर करवा कर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ट्रेडमार्क का एक आपको एग्जांपल दूं तो आपने मरिंडा की बोतल देखी होगी, फैंटा की बोतल देखी है, उसकी जो बॉटल होती है उसका शेप जो है डिफरेंट है, किसी भी और कंपनी की सॉफ्ट ड्रिंक की शेप वैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप शेप को भी ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई ट्रेडमार्क, जो कि आपको बिजनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। लास्ट है हमारे पास पेटेंट्स। पेटेंट्स किसी इन्वेंशन के केस में होती है। इन्वेंशन मतलब कोई यूनिक आपने चीज़ इन्वेंट की है, लेकिन ये चीज़ जो आपने इन्वेंशन की है वो यूज़फुल होनी चाहिए। पहली बात, वो यूज़फुल होनी चाहिए, आपका जो इन्वेंशन है वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री में उसका कोई यूज़ हो। जैसे आपने कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी इन्वेंट की है तो वो मशीनरी यूज़फुल होनी चाहिए, फिर आपको उसके अगेंस्ट पेटेंट राइट मिल जाएंगे। अगर कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ करना चाहता है तो वो आपको फ़ीस पे करेगा, आपसे परमिशन लेगा उस मशीनरी को यूज़ करने की, ठीक है। तो पेटेंट राइट के केस में याद रखना, इसमें किसी यूनिक आइडिया को रजिस्टर करवाया जाता है अपने नाम पर, और कोई दूसरा पर्सन आपकी परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस को। डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है, ये तीनों के डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं इंडिया में, और आपको MCQ के फॉर्म में इन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको याद कर लेना। कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, फिर पेटेंट एक्ट सबसे पहले आया था 1970 में। सेकंड पॉइंट है टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। तो कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के केस में आपको प्रोटेक्शन देता है, ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, ब्रांड नेम, स्लोगन, लोगो, इन्हें प्रोटेक्ट करता है, और पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन दैट आर नॉवल, नॉवल मीन्स न्यू, ओरिजिनल, और जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है, उसे ये प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि एक बार आप रजिस्टर करवा लेते हो तो कितने साल की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। कॉपीराइट के केस में आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। अगर किसी राइटर ने बुक लिखी है तो पहले तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी थ्रू आउट द लाइफ, उसकी डेथ के बाद 60 ईयर्स तक उसके जो लीगल हायर होते हैं उन्हें, उनके पास राइट होता है, अगर किसी को भी यूज़ करनी है वो बुक तो उनसे पूछना पड़ेगा। ट्रेडमार्क के केस में 10 साल की वैलिडिटी होती है, बट आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं, अगले 10 साल के लिए फिर से रीन्यू हो जाएगा। पेटेंट के केस में जो वैलिडिटी है वो 20 इयर्स की होती है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्योर, तो कॉपीराइट सिक्योर करता है आपके क्रिएटिव काम को, ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है,
पेटेंट जो है वो सिक्योर करवाता है किसी नई इन्वेंशन को. नेक्स्ट राइट कम इनटू एग्जिस्टेंस. कॉपीराइट आपको तब मिल जाता है जब आप काम करना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ट्रेडमार्क की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और इसकी रजिस्ट्रेशन 12 से 18 महीने के अंदर अंदर हो जाती है. पेटेंट के केस में रजिस्ट्रेशन को बहुत टाइम लग जाता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इस केस में आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. तो जब आपने प्रोविजनल पेटेंट के लिए अप्लाई किया है उसी मोमेंट पर आपको प्रोटेक्शन दे दी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, प्रोविजनल एप्लीकेशन. तो प्रोविजनल एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ पेटेंट के केस में होती है, बाकी दोनों केस में नहीं होती. लास्ट पॉइंट है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ट्रेडमार्क के केस में होती है. आपने देखा होगा नाम के साथ सर्कल के अंदर आर लिखा होता है, आर मतलब रजिस्टर्ड नेम है ये हमारा. तो जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ ट्रेडमार्क के केस में होती है. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी. अगर अच्छी लगे वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. थैंक यू एवरीवन.